Hello students, how are you? Hope so you are fine. Today we are going to discuss about worksheet number 57. आज की जो हम worksheet करने जा रहे हैं बच्चों, worksheet number है हमारी 57. Subject हमारा English, class 10th है हमारी, date है हमारी 24 November. Tuesday की जो हमारी English की worksheet आती है 9th, 10th class की हम worksheet कर रहे हैं. 10th क्लास की आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक रहने वाला है राइटिंग स्किल में जो पैराग्राफ राइटिंग है आपको पिक्चर गिवन होगी. एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है पिक को देखते हुए, जो भी एनालिसिस आपको यहां से करके फिर पैराग्राफ लिखना है. द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीजन व्हाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव. द टेबल शोज हाउ दिस वर्ज अफेक्टेड थ्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s. अब देखो, select the report the main feature and make comparison. Write an analytical paragraph by summarizing the information. Table ये दिखाती है कि कौन कौन से causes हैं जो affect करते हैं कहीं किसी region की land को world during the world पूरे world की बताई गई है. जो भी यहाँ पर हमें chart दिया गया है, pie chart दिया गया है कि हमारी land जो degradation है, land degradation है, भूमि की जो फर्टिलिटी है, जो भूमि की प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है. किस वजह से, कौन कौन से कारण है, कोजेज क्या है. फर्स्ट कोजेज इन्होंने जैसे दिया है डेफोरेस्टेशन. अब डिफोरेस्टेशन के कारण की क्या है, पेड़ काटे जा रहे हैं. डिफोरेस्टेशन से समझते हो ना क्या होता है कि पेड़ों की कटाई, ओवर कल्टिवेशन और ओवर ग्रेजिंग और अदर है 7%. डिफोरेस्टेशन 30% है इसका रीजन, ओवर कल्टिवेशन 28% और ओवर ग्रेजिंग 35%. अदर जो रीजन है लैंड डिग्रेडेशन की वो है 7%. कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजन. अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन, देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कॉजेज है. जैसे नॉर्थ अमेरिका में डिफोरेस्टेशन के कारण जो लैंड डिग्रेडेशन हुई है वो है 0.2%. ओवर कल्टिवेशन के कारण वहां पर लैंड डिग्रेडेड हुई है 3.3%. ओवर ग्रेजिंग मेन कारण है वहां पर 1.5%. टोटल लैंड डिग्रेडेड है 5%. मतलब लैंड तो डिग्रेड हुई है, ठीक है, मतलब भूमि की प्रोडक्टिविटी है वो तो कम हुई है. इन कारणों का कितने परसेंट योगदान है उसमें, डिफोरेस्टेशन 0.2, ओवर कल्टिवेशन 3.3, ओवर ग्रेजिंग 1.5, टोटल लैंड डिग्रेडेशन 5% है वहां पर, ठीक है. और मेन कारण ये है तीन. यूरोप में 9.8 है डिफोरेस्टेशन के कारण, ओवर कल्टिवेशन है 7.7 और ओवर ग्रेजिंग 5.5. टोटल लैंड डिग्रेडेड हुई है 23%. नॉर्थ अमेरिका से बहुत ज्यादा है 23%. ओशेनिया में 1.7 डिफोरेस्टेशन, ओवर कल्टिवेशन 0% है वहां पर, ओवर ग्रेजिंग वहां पर है 11.3%. टोटल लैंड डिग्रेडेड हुई है 13%. अब देखो, ये हमें चार्ट दिया गया है, ये हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है. इस इंफॉर्मेशन और इस चार्ट का यूज करते हुए हमें क्या करना है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ. ठीक है, एक पैराग्राफ आपको लिखना है और पैराग्राफ जो आप लिखोगे उसका टॉपिक क्या रहेगा आपका, causes of worldwide land degradation. causes of worldwide land degradation. causes क्या होते हैं, कारण. पूरे विश्व में जो भूमि degradation, जो land degradation के क्या कारण है, कितने परसेंट कारण है, और फिर आप उसको मतलब लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए आपको क्या, कौन कौन से आप उपाय कर सकते हैं. ये आपको मतलब पैराग्राफ, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ एक लिखना है. ये देखो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन कॉज एंड सॉल्यूशन. ठीक है, ये हमारा जो पैराग्राफ है ऊपर से आप लिख लोगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन लिखना है. यहाँ से राइट एंड एनालिटिकल पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन. ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर आपको लिखना है लैंड डिग्रेडेशन कॉज एंड सॉल्यूशन. सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि डिग्रेडेड लैंड होती क्या है. डिग्रेडेड लैंड इज लैंड दैट हैज लॉस्ट सम डिग्री ऑफ इट्स नेचुरल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ह्यूमन कॉज्ड प्रोसेसेस.
मानव की ह्यूमन कॉज प्रोसेस, मानव की प्रक्रिया के कारण। अब जैसे देखो, मानव प्रक्रिया के कारण क्या, हम एक जो किसान होते, फार्मर होते हैं, एक साल में, एक वर्ष में चार चार फसलें उगा लेते हैं, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भूमि की फर्टिलिटी है, जो लैंड की फर्टिलिटी है, वो कम हो जाती है। नेचुरल प्रोडक्टिविटी जो है, उसकी उपजाऊपनता है, जो जो फिर क्षमता है पैदावार देने की, वो कम हो जाती है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय मल्टीपल फोर्सेस। अब देखो, इस लैंड डिग्रेडेशन का एक ही कारण नहीं है, बस किसी एक वजह से हुई है ये, इसकी मल्टीपल फोर्सेस है, इंक्लूडिंग डेफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। डेफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई के कारण जो भूमि है उसकी फर्टिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी वो है कम होती है। और इसमें डिफोरेस्टेशन का योगदान, कंट्रीब्यूशन कितना है, 30%। ओवर कल्टिवेशियो, ओवर कल्टिवेशियो, यस ये है ओवर कल्टिवेशियो, ज्यादा जुताई, मतलब एक वर्ष में आप चार चार पांच पांच फसल उगाते हो, क्रॉप्स उगाते हो, ग्रो करते हो, तो वो क्या है, वो किस में आता है, ओवर कल्टिवेशियो। ओवर कल्टिवेशियो 28% है, एंड ओवर ग्रेजिंग, और ओवर ग्रेजिंग 35%। दीज एक्टिविटीज पोल्यूट और डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सोइल। अब दीज एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जैसे डेफोरेस्टेशन, कल्टिवेशन, ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग, जो ये एक्टिविटी है, ये पोल्यूट करती है किसको, लैंड को, पोल्यूट और डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सोइल। एंड लैंड यूटिलिटी नेगेटिविटी अफेक्टेड, अफेक्टिंग फूड प्रोडक्शन। अब देखो, जो ये एक्टिविटी है, इनके कारण क्या होती है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, उसकी जो सोइल की क्वालिटी है वो कम हो जाती है, और लैंड यूटिलिटी। अब इसका प्रभाव किस चीज पर पड़ता है, अफेक्टिंग फूड प्रोडक्शन, उसकी जो लैंड की जो फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उससे फूड प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, कम हो जाता है फूड प्रोडक्शन, लिवलीहुड। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी इन यूरोप, अब यूरोप, एक स्टडी के अकॉर्डिंग यूरोप में जो 23% लैंड है वो डिग्रेडेड है, 23% लैंड इज डिग्रेडेड एज कंपेयर टू 5% इन नॉर्थ अमेरिका। कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका में कितनी है, ओनली 5%, एंड 13% इन ओशेनिया, और ओशेनिया में है 13% इन यूरोप। द मेजर रीजन इज, यूरोप में मेजर रीजन क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, इन द यूरोप द मेजर रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज डेफोरेस्टेशन। क्या है, डिफोरेस्टेशन, यहाँ पर आप लिख लोगे, इन यूरोप द मेजर रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज डेफोरेस्टेशन, वाइल इन ओशिनिया इट इज ओवर ग्रेजिंग। जबकि ओशिनिया में क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का मेजर रीजन ओवर ग्रेजिंग। टू प्रिवेंट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन फर्स्टली वी शुड प्लांट, अब टू प्रिवेंट, रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए फर्स्टली हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाने चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज एंड मेक श्योर दे सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर, आफ्टर विच मोस्ट ऑफ द ट्रीज बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। अब देखो, 2-3 ईयर्स अगर आप एक पेड़ की, एक पेड़ की अच्छे से केयर कर देते हो, फिर तो क्या बन जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। सेकेंडली, एक तो पेड़ उगाने चाहिए जिससे डिफोरेस्टेशन कम हो। सेकेंडली, वी शुड स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम जब ओवर कल्टिवेशन में क्या हटता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा जैसे उर्वरक, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो भूमि की जो लैंड की जो फर्टिलिटी है, वो प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाती है, तो वो हमें ज्यादा यूज नहीं करने हैं। स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ट्राई टू गिव एज मच ऑर्गेनिक मैटर बैक टू द सोइल एज पॉसिबल। थर्ड, वी शुड नॉट बर्न फार्म। अब भूमि जो फार्म है उनको जलाना भी नहीं चाहिए। गार्डन इट किल्स योर सोइल। जब आप, जैसे हम क्या करते हैं, धान होती है, ठीक है, अब धान को जब हम जलाते, जो नीचे की पराली पराली बच जाती है, तो किसान उसको जलाते हैं, वो जलानी नहीं चाहिए। इससे क्या होती है, इससे जो भूमि की जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। फोर्थ, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टिवेशन शुड बी डिस्करेज। ओवर ग्रेजिंग और ओवर कल्टिवेशन को डिक्रेज करना चाहिए, मोटिवेट नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव सोइल हेल्थ। और ये उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, सोइल हेल्थ में इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब भूमि की प्रोडक्टिविटी, लैंड की नेचुरल जो प्रोडक्टिविटी है वो हम इंक्रीज
सकते हैं। तो ये थे रीजन, लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, इसके रीजन क्या है और सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये था जो आपका आज का पैराग्राफ था, एनालिटिकल पैसेज आपको लिखना था लैंड डिग्रेडेशन पर। मुझे वीडियो को पॉज करके और यहाँ से आप राइट कर सकते हो, और मैंने आपको इसको हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आपको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में करके ग्रुप में जल्दी से आपको सेंड करना है। अगर वीडियो आपको लाइक आपके लिए हेल्पफुल है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो से बेटा तो पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।